दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं A4, A3 या दूसरे साइज के पेपर के बिजनेस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम फुल्ली ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सेमी ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए कम पूंजी में A4 पेपर का बिजनेस कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि A4 साइज का पेपर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हर ऑफिस, इंडस्ट्री, शॉप्स, स्कूल, कॉलेज या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट के लिए किया जाता है और हर दिन इसकी जरूरत लगभग हर इंसान को होती है। दोस्तों शायद आपको मालूम ना हो लेकिन अभी मार्केट में 70 GSM और 80 GSM के पेपर 50 से 60 रुपीज पर केजी के आसपास बिक रहे हैं और वही पेपर कन्वर्जन के बाद जब A4 साइज में बन जाते हैं तो ये 250 ग्राम से 300 ग्राम का एक पैकेट अभी मार्केट में होलसेल में 160 से 180 रुपीज में और रिटेल में 200 से 220 रुपीज के आसपास बिक रहा है। और लोकेशन के हिसाब से ये रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो गया होगा कि इस बिजनेस के जरिए हम कितने का प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों आप A4 साइज के पेपर बना के बेचने के साथ साथ A3, A2 और अलग अलग साइज के पेपर को भी बना मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें A4 पेपर बनाने वाली फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की, एक ही मशीन के जरिए पेपर के रोल से शीट को काट 500 शीट का बंडल बना उसे पैक कर दिया जाता है और फिर उसे आप बॉक्स में पैक कर मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हर 1 से 2 मिनट में 25 से 30 पैकेट तैयार कर देती है जो मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है। दोस्तों इस मशीन में मैन पावर बिल्कुल कम लगता है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। दोस्तों इन मशीन के जरिए इस बिजनेस को शुरू करने का एक फायदा ये होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है और इस मशीन के जरिए हम अच्छा खासा प्रोडक्शन कर मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों शीट कटिंग मशीन के जरिए हम पेपर के रोल से शीट को काट लेते हैं। हमें मशीन के एक सिरे पे रोल को लगाना होता है और मशीन में साइज की सेटिंग कर देनी होती है जिसके बाद मशीन पेपर के रोल से शीट को काटना शुरू कर देती है। मशीन में टाइमर लगे होते हैं जिसके जरिए मशीन शीट काउंटिंग भी करती रहती है। शीट कटिंग मशीन में 500 शीट के कटिंग हो जाने के बाद आप शीट को हटा अलग रख सकते हैं। रोल टू शीट कटिंग मशीन 220 से 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और इस तरह के मशीन पे आप 2 इंच से 42 इंच तक के रोल को काट सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के मशीन के जरिए आप 1 घंटे में पेपर रोल से 5,000 से 7,000 शीट के आसपास काट सकते हैं। ये मशीन 40 GSM से 400 GSM तक के पेपर को काट सकती है। दोस्तों इस मशीन को आप एक ऑपरेटर के जरिए काफी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। मशीन को चलाने की ट्रेनिंग मशीन के सप्लायर के द्वारा ही आपको मिल जाएगी। दोस्तों काटे हुए शीट को हम मैनुअली अपने ब्रांड के प्रिंट किए हुए पेपर में रैप कर सकते हैं और फिर एक बॉक्स के अंदर 5 का सेट रख उसे मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। दोस्तों आप अपने ब्रांड का पैकिंग पेपर और अपने ब्रांड का पैकिंग बॉक्स प्रिंट करवा सकते हैं। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।